इस परिवार का दुख देखा नहीं जाता। एक बार मुड़ तो डॉक्टर की अणगहली आई सामने। परिवार का दोष डॉक्टर की गलती कारण गई मासूम बच्ची की जान। तुसी वेख रहे हो द टीवी NRI, मैं हाँ गरिमा। आए दिन ही असी खबर पढ़ते हैं किस तरीके दे नाल कतलकांड ते चोरी दी वारदातां बेहद ही आम हो चुकियां ने। उत्ते दूसरे पासे लोग जिहड़े है दूसरा रब जिसनू मनदे है उसकी भी अणगहलियां तो काफ़ी परेशान ने। यानी कि डॉक्टर्स जिसनू परमात्मा का दूसरा रूप समझा जाता है तो डॉक्टर के अगे ना तो कोई जात पात ना ही कोई धर्म चलता है। पर उत्ते ही अजकल डॉक्टर्स जो है अपना किता कि ना कि सही ढंग के नाल नहीं निभा रहे ने। यह असी नहीं सगो एक परिवारक मैंबर के वलों दोष लगाए जा रहे हैं। जिया दस दिए कि हाल ही एक परिवार के वलों आरोप एक डॉक्टर के उपर लगाया जा रहा है जो कि सिविल हस्पताल का है। यह ताज़ा मामला जलंधर के नकोदर तो सामने आता है कि जिते एक परिवार के वलों डॉक्टर्स के उपर आरोप लगाए गए हैं कि जिते उन्होंने 15 साल की जिसन बुखार चढ़िया उसनों बीती रात जो है हॉस्पिटल लैके आते हैं। पर उत्ते ही परिवार का कहना है कि डॉक्टर प्रशासन की अणगहली के कारण साड़ी धी की जान चली गई। उत्ते ही डॉक्टर्स के वलों सिरे तो ही इन्हों इल्जामों इनकारिया जा रहा है। डॉक्टर का कहना सी कि लड़की दे डेंगू सी उसनों डेंगू का बुखार के कारण उसके शरीर के सैल घट सन जिसके कारण उसकी मौके पर मौत हो गई। पर परिवारक मैंबर का जिते रो रो बुरा हाल है उत्थे ही परिवारक मैंबर जो है आरोप डॉक्टर्स के उपर लगा रहे हैं किस तरीके दे नाल डॉक्टर्स के वलों कह लिए कि मौके पर अणगहली वरती गई है जिसके कारण उन्होंने धी की मौत हो गई। धी की उम्र 15 साल सी। धी का नाम मानसी कुमारी दसिया जा रहा है। उत्थे ही मापे के उपर दुखा का पहाड़ उस वेले टुट जाता है जदों अपनी धी को इलाज के लिए हस्पताल लैके आ घरदियां नूं लगदा सी कि शायद उन्हां दी धी नूं हल्का फुल्का बुखार सी ते बुखार ज़्यादा ना हो सके इस करके मौके ते ही ओह उस धी नूं हस्पताल दे विच लै जांदे सन। तां पता नहीं सी कि इस तरीके दे नाल उन्हां दी धी दी मौत हो जाएगी। एक पासे तां क्योंकि घरदियां दे वलों धी नूं इलाज दे लई लिआंदा जांदा है पर हुण जदों धी दी मौत हो जाती है लाश लेके जाण वेले परिवार भुब्बा मारदा होया रोंदा होया नज़र आ रहा है। कि कुछ कहना मौके ते परिवारिक मैंबर दा ओह भी सुन लैंदे आ। की होई सीगी? कुछ नहीं, बस बुखार चढ़िया वा तेरे ते ले आया इन्ने ले आया मैनूं तो बाद च फोन आया वा 1 बजे फोन आया वी डेथ हो गई आ। बाथरूम के डॉक्टर ने टीका लाया उदे दा बाथरूम निकल गया। बाथरूम निकल सारी जान निकल गई इहदी। तड़पदी रही उन्होंने केयर नहीं कीती इन्नी। टीका लावो साडा फैसला वा। इस तरह डॉक्टर पर तड़पे जिदा साडी कुड़ी तड़पाई है। डॉक्टर साहब इस मौके दा फरार क्यों हो गया? असी ये पूछना चाहने हां भई डॉक्टर मौके तो क्यों फरार हो गया? इस हॉस्पिटल दा सारा स्टाफ मौके तो फरार हो गया। असी ये पूछना चाहने हां पिंडा तपन डिया होया सीगा तो उन्हें मैडम ने देखिया नहीं चंगी तरह। मैडम दे चूड़ा पाया होया सीगा मुंह ते मास्क लिया होया सानू नहीं पता कौन सी कौन नहीं सी। उदू बाद च उन्हें उत्ते किसी नर्स नूं फोन कीता ओह आई उन्हें आके इंजेक्शन वगैरा लाए पता नहीं केड़े लाए केड़े नहीं लाए। उदू बाद चो कुड़ी बेसौरती है मुड़ के उदू बाद चो सौरत नहीं आई बिच ही बाथरूम मुड़ के इत्थे इत्थे निकलिया बाद च। मेरे साडे घरे काम करदी सी कुड़ी ओह। की नाम की सीगा लड़की दा? मानसी नाम है जी। किन्नी कु उमर है ओदी? 15 साल उमर है जी। अजे सारी ते पहला भी बिमार सीगी? नहीं नहीं पहला कदे भी नहीं बिमार हुई। मेडिकल स्पेशलिस्ट देख रहे कंडीशन सीरियस ही बच्चे
इमीजिएट जी डेथ हुई है हो सकता है प्लेटलेट जो काफ़ी घट आए उसके करके ही हो सकता है क्योंकि डेथ हुई है हैमरेजिक शॉक करके हो सकती डेथ हुई है। सर परिवार वालों आरोप लगाए जा रहे हैं एक इंजैक्शन लगाया गया उस तो बाद बच्चे की डेथ हुई है। इंजैक्शन का तो कोई एक नहीं है गल पर अगर उन्होंने लगता है पोस्टमार्टम भी रख लेंगे बॉडी में उसके पता लग जाएगा। सर अज सिविल होस्पिटल एक परिवार वालों हंगामा किया गया की मामला है एक लड़की मानस जी डेथ हुई है जी हम परिवार के बयान देख सौ 74 कार्रवाई होगी रोड बनेगा बोर्ड जो जी सामने आएगी कार्रवाई होगी। तो लड़की नू की प्रॉब्लम से जो सिविल हॉस्पिटल लिया गया पता नहीं उन्हें परिवार को पता ही हूँ की कार्रवाई की जा रही हूँ परिवार के बयान लेके कार्रवाई होगी। लाश न कब्जे च ले लिया लाश अगे हस्पताल ठीक है केड़े हॉस्पिटल च आया है। ए टू जेड समस्या का समाधान मियाँ करीम खां कॉल या व्हाट्सएप करो 99150-90403 किसी भी तरह का होवे काम 11 घंटियां च फटाफट 101% समाधान गारंटी कार्ड दे नाल काले इलम दी काट साडे कोल पति पत्नी अते प्रेमी प्रेमिका वस च करवाओ कीता कराया जादू टोना मनचाया प्यार वशीकरण मुठकरनी करवाओ या तुड़वाओ नौकरी कारोबार च रुकावटा सोतन दुश्मन तो छुटकारा घर च खून दे छिट्टे आने बच्चियां दा पढ़ाई च मन ना लगना प्रेमी प्रेमिका दा 100% वशीकरण करवाओ घर बैठे हर समस्या दा समाधान सिर्फ 11 घंटियां च